इस दौरान कोई और वैकल्पिक रास्ता खोलना पड़ेगा क्योंकि इस रोड को ठीक करना है तो ट्रैफिक बंद करना पड़ेगा। बिना ट्रैफिक बंद किए रोड का मेंटेनेंस नहीं हो सकता और हैवी ट्रैफिक है, इसलिए विभाग तय करेगा। लेकिन 6 घंटे एक तरफ से बंद करके फिर 6 घंटे दूसरी तरफ से बंद करके एक व्यवस्था वो बना रहे, इसका मेंटेनेंस ठीक ढंग से हो जाए इसका इंतजाम किया जाएगा। और एक वैकल्पिक रोड भी हम जल्दी तैयार करेंगे खुडी जिगना से एक तो ये गोविंदगढ़ गड्डी रोड, गड्डी रोड उसके भी मैंने निर्देश दिए हैं। और एक और जो विकल्प सुझाया है जिगना से भरतपुर उसके भी हम निर्देश दे रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक जाम था तो जवाबदारी किसकी थी, एक इसका भी उत्तर हमको खोजना पड़ेगा। व्यवस्था सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तात्कालिक रूप से रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डीएम एजीएम मैनेजर जितने हैं उनको सबको मैं सस्पेंड कर रहा हूं। बाकी चीजें कैसे ठीक होगी उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। बस गई नहर के रास्ते और सीट थी 32, लोग थे 62, और इसकी जवाबदारी किसकी है, इसलिए संबंधित आरटीओ को भी सस्पेंड कर रहे हैं। और भी अगर इसके लिए जिम्मेदार होगा तो उनको भी देखा जाएगा। फिर प्रशासन क्यों नहीं चेता, वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी जांच की, लेकिन हम इसकी तह में भी जाएंगे। मेरा किसी से राग और द्वेष नहीं है, लेकिन गलती अगर कोई करता है तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, यह भी मैं निश्चित करूंगा। हाँ, यह जरूर मैं प्रशंसा करूंगा कि राहत और बचाव कार्य में तत्परता दिखाई, इसमें पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, तत्परता के साथ कार्रवाई हुई है। मैं तो लगातार 8 बजे से ही सवेरे यहां जुड़ा हुआ था और लगातार बात कर रहा था। मैं कल केवल इसलिए नहीं आया कि मेरे जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित ना हो जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री आ गया तो बाकी काम में बाधा होती, नहीं तो मैं कल ही आ जाता। इसलिए हमारे 2 मंत्री साथी आए थे, तुलसी सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी। रामखिलावन जी कल से यहीं पे, और उसमें भी बेटी शिवारानी ने लवकुश लूनिया और लवकुश लूनिया शिवरानी शिवरानी और सत्येंद्र शर्मा सिविल एविएशन के हमारे कर्मचारी थे, उनने अद्भुत काम किया। इन तीनों को भी 5-5 लाख रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ऐसे समय जो अपनी जान की बाजी लगा के लोगों को बचाए वो अभिनंदनीय है। और प्रशासन के भी जिन लोगों ने, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, पुलिस के जवान हो, जिनने अच्छा काम किया उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे, उनकी भी सूची मैंने मांगी है। लेकिन जिनने गड़बड़ जिनसे हुई है, जानबूझ के हुई हो, लापरवाही से हुई हो, उनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और इसलिए सारी जानकारियां हम ले रहे हैं और जांच की रिपोर्ट भी आएगी, उसके आधार पर भी कार्रवाई करेंगे।
सर मध्य प्रदेश के पास बीएससी में एग्जाम देने के लिए अन्य जिलों में 200-200 किलोमीटर जाना पड़ा, ये माना जाए कि प्रदेश सरकार के पास जिला मुख्यालय में वो संसाधन उपलब्ध नहीं है जिससे वो व्यवस्था हो पाए, उस पर भी हम आगे कैसे विकेंद्रित किया जा सकता है? अब इसमें तो कई तरह की तथ्य हैं, इसको भी देखें तो ले लें, उसके बाद निकाल फुटेज लेके फिर।